आप हमारे श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पधारे हुए हैं। आपके मन में एक भावना है, एक विचार है, एक संकल्प है। उस भावना ने, उस विचार ने, उस संकल्प ने आपको यहाँ पहुंचाया। उस संकल्प से संकल्पित होकर के आप इस राष्ट्र निर्माण के कार्य की ओर प्रवृत्त हैं, इतना शुरू करता है तो वह निस्वार्थ होने लगता है। स्वार्थ से परे होते होते वह पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए और समष्टि के लिए सोचना शुरू कर देता है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी मर्यादा और हमारे मूल्य इसके लिए हमें सिखाती हैं, स्वार्थ से परे होने के लिए। शायद इसीलिए ग्लोबलाइजेशन की बात तो आज की जाती है, ग्लोबलाइजेशन में भी निस्वार्थता की बात नहीं है। पूरी दुनिया को जोड़ने की बात की जाती है, परंतु दुनिया को जोड़ना चाहते हैं तो अपने स्वार्थ से, अपने जो अपनी इच्छा है, उन इच्छाओं को, जो कलुषित इच्छा है, उसके लिए लोगों को संपर्क करने का प्रयत्न किया जाता है। पर हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा है और पारिवारिक भाव से, निस्वार्थ भाव से हमें दुनिया को जोड़ना है। यहाँ कनेक्शन होते हैं तो निस्वार्थता के लिए नहीं, ग्लोबलाइजेशन के लिए नहीं, क्योंकि स्वार्थ के लिए और देश को लूटने के लिए। तो स्वार्थी दुनिया में कहीं भी जोड़ते हैं तो पूरे संसार के अहित के लिए वो प्रवृत्त होते हैं, पर निस्वार्थी और आध्यात्मवादी जोड़ते हैं तो वो दुनिया के हित के लिए और कल्याण के लिए जोड़ते हैं। यह जो ऊर्जा आप लोगों के माध्यम से पतंजलि परिवार से जुड़ी हुई है, वह एक निस्वार्थमय बहुत बड़े कार्य के लिए जुड़ी हुई है। और वही निस्वार्थता, वही अंदर की ऊर्जा आपको यहाँ प्रेरित कर करके लाती है। हमें समझना, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी अवस्थाएं हैं। अभी मैं अभी सुबेरे सुबेरे थोड़ा सा अखबार देख करके आया, अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, अभी षड्यंत्र हो रहा है। विशेष कर करके अभी एक योजना चल रही है कि कितना जल्दी के कि जो खाद्य सुरक्षा बिल बोले उसको पास किया जाए। और उसके लिए खाद्य सुरक्षा बिल के नाम पर मैं कहूं कि देश को कितना मिलेगा, लोगों को बहुत थोड़ा मिलेगा। अनाज सड़ रहा है, आप जानते हैं, पंजाबों में पीछे न्यूज था पर अनाज के गोदाम में तो शराब रख रहे, अनाज बाहर सड़ करके खत्म हो रही। और अभी भी देश के अंदर यदि प्रतिवर्ष, आप ज्यादातर गांव के पृष्ठभूमि के हैं, जब किसान खेती करता है एक एक तिनके के लिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि आप झाड़ू भी बहारते हैं तो कोई अनाज का दाना गिरा होता है तो मेरी माँ बहने उस दाने को उठाती हैं कि कहीं पैर के नीचे ना आ जाए। हम इस तरह से उस दाने के प्रति, क्योंकि हमारा खून पसीना उस दाने से जुड़ा हुआ है, उस दाने के अंदर हम किसी व्यक्ति का प्राण देखते हैं, हम किसी व्यक्ति का जीवन देखते हैं, उसकी रक्षा के लिए इतना प्रयत्न करते हैं। जब इकट्ठा होकर के वो पहुंच जाता है तो उसके बाद में उसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। और मैं आपको ये कहूं, देश का लाखों लाखों टन अनाज जानबूझ करके सड़ाया जाता है। वो इसलिए सड़ाया जाता है क्योंकि वह अनाज शराब वालों को जो है बहुत सस्ते पैसे में दे दिया जाता है और उसके बाद में वो शराब बन करके फिर लौट करके वह अनाज अनाज के रूप में गांव में नहीं मिलता है, वह अनाज शराब के रूप में गांव में मिलता है आपको। फिर हमारे भाई जीवन बर्बाद कर देते हैं। अरे जो जीवन देने वाला अनाज था वह तुम्हारा जीवन लेने वाला बन जाता है, उसको जहर बना दिया जाता है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे खेतों के अंदर। आज जितने भी आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर और केमिकल्स डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, क्या आपको पता है कि वह सारे इंसेक्टिसाइड्स दुनिया के दूसरे देशों में प्रतिबंधित हैं, दुनिया में वो डालने के लिए मना है। तो उसके नाम पर यहां से ये मोटा पैसा खाते हैं, मोटा पैसा खाते हैं, अपना खा करके फिर हमारे किसानों को जहर घरों में पहुंचा देते हैं। और किसान, कई सारे, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, ऐसे परिवार हैं, आप भी जानते होंगे, वो दवाई छिड़कते छिड़कते जो है वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं और जिंदे भी बच गए। तो बहुत सारे कैंसर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, दमा की बीमारी, जितने भी हड्डियों के रोग हैं, उनका बहुत बड़ा कारण वह इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और वो केमिकल है। उसके बाद में वह अनाज पूरा देश में पहुंच जाता है,
उसको खा करके भी लोग बीमार होते हैं। बीमार होते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। और उन षड्यंत्रकारियों को पता है, मैं आपको बता दूं, पूरे प्रमाण और तथ्य की बात मैं कर रहा हूं, उनको पहले से पता है कि यह केमिकल खेत में डालना शुरू कर देंगे तो कौन कौन सी बीमारी कितने साल के बाद फैलना शुरू हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारे खेतों में केमिकल पहुंचता उसी दिन उसकी बीमारी की दवाई के नाम पर दवाइयां बननी शुरू हो जाती कि ये डायबिटीज बढ़ेंगे। इतने सारे आने वाले, आपने कभी कभी अखबारों में पढ़े होंगे आंकड़े कि आने वाले जो है 10 साल में इतने सारे डायबिटीज के पेशेंट हिंदुस्तान में होंगे, आने वाले 10 साल के अंदर इतने सारे हार्ट के पेशेंट इस देश में होंगे, आने वाले 5 साल में इतने सारे कैंसर के पेशेंट्स इस देश में होंगे। ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े उन खाद्यान्न और जो जहर खिलाया जा रहा है उसके आधार पर लगाया जा रहा है। क्या कभी आप कल्पना करते हैं कि उस जहर को डलवाने के लिए लाखों करोड़ रुपए का वो जहर खेतों में डाला जाता है और आप थोड़ा बहुत उस अनाज को बेच करके कमा भी लेते हो तो वो लाखों करोड़ अलग से, एक तो जहर डालने के नाम से आपसे पहले ही चूस लिया जाता है, बाद में आपको बीमार कर करके जो कुछ अनाज खेत घर तक गिरवी रख करके अनाज का बेचे हुए पैसे से भी शायद आप चिकित्सा न करा पाए। भगवान न करे किसी के घर में कैंसर की बीमारी हो, मिडिल और अपर मिडिल लेवल तक के घरों में यदि कैंसर की बीमारी हो जाती हो तो पूरा घर तबाह हो जाता है। आपको पता है पूरा घर बार बेच करके आप चिकित्सा के पीछे लग जाते हैं। हमारे को सब तरह से लूटा जा रहा है, चारों तरफ से लूटा जा रहा है, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो लूट के लिए मात्र एक जिम्मेदारी किसी की है तो वो सरकार की है। सब तरह से लूट कारण है तो वह सरकार है, इसको हमें समझना होगा। और जिस दिन आप इस चीज को समझ लोगे तो क्या आपका खून नहीं खौलेगा? क्या आप चुप बैठ सकोगे? क्या आप घर से बाहर नहीं निकलोगे? आप अपने को रोकना चाहोगे तो भी नहीं रोक पाओगे। बस हमें आंखें खोलने की जरूरत है, हमें उस चीज को समझने की जरूरत है। ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं, इसके लिए बहुत आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको समझने के लिए बहुत सारी किताबें और डिग्री की जरूरत नहीं है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी दिल की आंखों को खोलने की जरूरत है। और आपको पता है कि हिंदुस्तान में जितनी भी बीड़ी सिगरेट और शराब है उसका सबसे बड़ा मार्केट गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, गांव का एरिया है। एक तरफ तो लिखा जाता है, मैं एक दिन पढ़ रहा था टीवी के स्क्रीन पर कि तंबाकू सेवन से कर्कट रोग होता है, और मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों को पता है कर्कट रोग का मतलब क्या है? यह भी षड्यंत्र है। इन्हें नियम बना दिया कि जो है तंबाकू के लिए आप ये बता देंगे कि इसको लेने से कैंसर होता है, तो सीधा कैंसर कहने से डरने के लिए लोगों को इतना भय नहीं लगे उसके लिए कहा कर्कट रोग होता है। कोई सोचे कि कर्कट रोग तो सामान्य सी बीमारी है, कैंसर भयानक बीमारी है, फिर भी उसका सेवन करें। इतनी भयानक षड्यंत्र है। षड्यंत्र कहां तक है क्या कभी आप कल्पना कर सकते हो? हमारी कल्पनाओं से बाहर है। सिर्फ उस सारे षड्यंत्रों को रोकने का एकमात्र साधन है तो मैं आपको कहूं कि वह साधन है कि आप अपने, एक तो वोट करने के लिए, अभी हमारे लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, बहुत जल्दी होने हैं, उस समय पर बहुत ध्यान रखना, श्रद्धेय स्वामी जी का जिधर इशारा हो उधर ही जुट पड़ना। और अपने लिए नहीं, मैं कहता हूं तुम यहां पर खड़े हो ना, यदि एक एक कम से कम एक एक हजार वोट या 10-10, 20-20 हजार वोट घरों तक भी पहुंच, क्योंकि एक ताकत वहां से शुरू होती है। बाकी ताकत तो ही है, आप लोगों को प्रेरित करते हैं, गलत कामों को रोकते हैं, अच्छे कामों के लिए प्रवृत्त करते हैं, उससे बड़ा ताकत है कि इनको धूल चटाने के लिए हमारे पास और कोई ताकत नहीं है। क्योंकि यह राक्षसी, अभी इटली का जो खुला ना, अभी जो हेलीकॉप्टर, मैं सोच रहा था उस गांव में खाने के लिए दाना नहीं है, उनको चलने के लिए सुरक्षा के नाम पर हजारों करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा जाता है। पहले तो यही इस देश के लिए, इस भारत के लिए, इस गरीब देश के लिए मैं समझता हूं यह क्रूर मजाक है। यदि हमसे पूछे तो इतनी सुरक्षा की हम बात को स्वीकार करते हैं, परंतु सुरक्षा पूरी देश के लिए सोचो। आज चाइना के पास जितने हथियार हैं और जितना उसने रक्षा वजन बढ़ाया है, हिंदुस्तान के सामने कुछ भी नहीं है। पिंदी सा बैठा हुआ एक वो आंख दिखाता रहता है पड़ोसी, उसके लिए भी हमारे पास साधन नहीं है। परंतु रक्षा बजट से जो रक्षा के उपकरण खरीदने थे उसमें बड़े बड़े हेलीकॉप्टर खरीदे जाते हैं, और उसमें भी
उसमें भी दलाली खाया जाता है। कितने सारे घोटाले हुए, अभी अभी 2G वाला आपने देखा, क्या खून नहीं खोलता आप लोगों का? सारा टाल मटोल कर दिया गया, पापोती कर करके लगभग जीरो बना करके उसको खत्म करने की स्थिति पर पहुंचाया गया। और आज मेरे को सुबह सुबह, मैं इसलिए आने से पहले अभी 2 मिनट अखबार के थोड़े देख रहा, उसमें लिख रखा है कि यह हेलीकॉप्टर घोटाले में जांच करने लायक जैसी कोई चीज सीबीआई वालों को नहीं मिल रही है। यार ये सारे घोटाले, ये सारे लूट, ये सारे देश को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र है, एक ही चीज से हम उस ताकत से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, वो यह है कि जब इनकी जांचें होंगी तो पता चलेगा देश को इन्होंने किस तरह से लूट करके दबाया हुआ है सब चीजों को। क्या आप जानते हैं कि बहुत बहुत कुछ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर, अभी इतना बड़ा घोटाला हुआ, सब कुछ हुआ, जिन्होंने कमीशन खाया, जिन्होंने दलाली खाई, जो इसकी जड़ में है, यदि उनका नाम भी लिया जाता है तो उसका नाम भी कोई नहीं लेता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, और हमारा पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, लोग कहते हैं इस बात को बड़ी ध्यान से, श्रद्धेय स्वामी जी हमेशा कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे देश में इतने लोग टैक्स देते हैं, इतने लोग टैक्स नहीं देते हैं। आप टैक्स देने का मतलब आप क्या समझते हो, कि आप सीधा सीधा टैक्स देते हो तो ही आप टैक्स दे रहे हो? नहीं, वो टैक्स का एक प्रकार है। टैक्स का दूसरा प्रकार क्या है जी? आप कपड़ा खरीदने जाते हो, पहनना तो पड़ता है ना, उसमें टैक्स जुड़ा हुआ होता है। आप कुछ भी खरीदने के लिए निकलते हो घर से बाहर, आप नमक में तो अभी शायद टैक्स नहीं है, बाकी जो भी आप सामान खरीदने जाते हो टैक्स के साथ खरीदते हो। टैक्स वो कंपनियां देती नहीं है, वो तो कमाई के ऊपर टैक्स देती है, बाकी तो खरीदते हो, जो खरीदते समय जो टैक्स है आप तो तभी दे चुके होते हैं। तो यदि आप साल भर के अंदर आप गैस सिलेंडर खरीदते हो घर का चूल्हा जलाने के लिए, कहते हैं कि गैस का रेट बहुत बढ़ रहा है, मैं आपको बता दूं सरकार 50% लगभग टैक्स लेती है, खत्म कर दे तो वो आधा सिलेंडर का रेट रह जाए, तो कौन दे रहा है? वो आप ही तो दे रहे हो। तो ये एक षड्यंत्र है, वो चीजें लोगों को समझ में नहीं आती है और ये हमें ठगे जाते हैं। अभी खाद्य सुरक्षा बिल के नाम पर 20,000 करोड़ से ज्यादा वह उसका बोझ आपके ऊपर ही पड़ने वाला है। यानी कि आपसे, मान लो मैं एक बात कहता हूं, आपके घर में आपको अनाज दे दिया गया सस्ते रेट पर, हर महीने 10 किलो अनाज दे दिया, 20 किलो दे दिया, और आप मान लीजिए कि आपका गैस के सिलेंडर में एक महीना में एक सिलेंडर लगता है, 500 रुपया रेट बढ़ा देंगे, तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपको लगता है, क्योंकि जो है ना, आपको लगता है कि देश के लिए करने वाले हैं, परंतु देश के लिए वो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका योगदान देश को लूटने के लिए है। यदि देश के लिए करने वाले होते तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, श्रद्धेय स्वामी जी जिस दृढ़ता के साथ, जिस तन्मयता के साथ, जिस ऊर्जा और शक्ति के साथ राष्ट्र के निर्माण के लिए विगत 20 वर्षों से लगे हुए थे, इस देश के अंदर घर घर में योग पहुंचा, आयुर्वेद पहुंचा, तो उस महामानव का जो महायोगदान है वह हम सबके जुआ पर और दिल पर है, उनके लिए हम हमेशा, हमारी शुभकामनाएं रहती हैं। उस व्यक्ति ने जब आंदोलन शुरू किया, ये बताइए उसको क्या अपने लिए आवश्यकता थी? हमने देश के ज्वलंत समस्याओं को लोगों को बीच में ला करके सरकार को कहने का प्रयत्न किया कि इन समस्याओं को दूर कर दोगे, देश खुशहाल होगा, इसकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, देश की जो परेशानियां वो कम हो जाएंगी, आप इधर ध्यान दो, इधर सुन लो। श्रद्धेय स्वामी जी की एक बड़ी गलती रही कि उन गलतियों का कारण जो थे, जो चोर थे, उन चोरों से हमने कहा कि जो है चोरी करने वालों को रोको, ये बहुत बड़ी भूल थी, पर चोरों को सबक सिखाने का समय आने वाला है। हम सबकी शक्ति, हम सबकी एक आत्मता, एक भाव इनको सबक सिखाने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रवाद को बात करने वाले राष्ट्रवादी संत को आज अलगाववादी शक्तियां, आप देखते हैं कि देश के अंदर से खतरा है, देश को बाहर से खतरा है, चारों तरफ खतरा ही खतरा है। हम एक खतरे के बीच में जी रहे हैं, एक अशांति के बीच में जी रहे हैं, घर से निकलो तो सड़क ठीक नहीं है, सड़क से थोड़ा बहुत चले गए तो न जाने कौन रास्ते में क्या कर डालेगा, ये भरोसा नहीं है। जागते समय, सोते समय आदमी, हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारी बहन बेटियां असुरक्षा महसूस करती हैं,
कहीं घर से निकल जाते हैं तो कोई पता नहीं है कि सकुशल कैसे लौटेंगे। शाम होने से पहले ही आना, दिन में आ जाना, उधर मत चले जाना, अकेले मत जाना, ये सारी स्थितियों के लिए आप और हम कारण नहीं है। इन सब कारणों लिख के कारणों के लिए कोई कारण है तो वह सरकार कारण है। हमें समझना होगा हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमारी जीवन रक्षा की जिम्मेदारी, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी, हमारे विकास की जिम्मेदारी जिनके हाथों में सौंपा था वो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। इनको सबक सिखाना आपका और हमारा काम है। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बहुत भय दिखाया, इन्होंने बहुत षड्यंत्र किया। मैं एक बात बता दूं, दबी हुई जुबान पर पूरे देश में ये बात उठने लगी है, यदि श्रद्धेय स्वामी जी गलत होते तो 2.5 साल सारी एजेंसियां आतंकवादियों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के व्यवस्था के लिए, देश के कानून के लिए, देश की चीजों के लिए लगने वाली सारी एजेंसियां उठा करके बाबा के पीछे लगा दी, और ऐसे पीछे लगा दी गई कि बाबा किसी भी हालत में ना बचने पाए, उसके बाद में भी बाबा का बाल बांका नहीं कर सके, तो इससे बड़ी परीक्षा बाबा के लिए कुछ नहीं हो सकती है। हर रोज अखबारों में ऐसे छपाया जाता है, सारे तंत्र इनके हाथों में है। और मैं आपको यह भी बता दूं, आप लोग जितने बैठे हुए ना, इसमें भी कई सारे भेजे हुए हैं, ये मैं बहुत उससे कह रहा हूं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, यहां है, इस तरह से भेजे जाते हैं, और एक एक बातों को रिकॉर्डिंग किया जाता है, एक एक बातों को स्कैनिंग करके पहुंचाया जाता है, क्योंकि वह देश की रक्षा के लिए लगे नहीं है, वो देश को लूटने के लिए लगे हुए हैं। उनको हमारे को कहा जाता है, मुझे कहा, बोले ये हमारा बिजनेस है, बाबा जी अपना इंटरफेरेंस क्यों करते हैं, बाबा जी दखल अंदाजी बंद कर दें हमारे व्यापार में। हमारे को बाबा से कोई समस्या नहीं है, बाबा के कार्यों से समस्या नहीं है, उनको समस्या है कि उन चोरों को स्वामी जी ने चोर क्यों कहा। नहीं, हम चोर ही नहीं कहने वाले, हम लास्ट क्षण तक, अंतिम क्षण तक हम उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। तो भगवान ने यह जीवन दिया है, हमारे ऋषियों ने, हमारे परंपराओं के लोगों ने हमें आत्मस्थ होकर के जीने की विधा सिखाई है। इसीलिए जो चोर होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो अत्याचारी होते हैं, एक बात ध्यान रखना, उनका दिल बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है, वो संघर्ष नहीं कर सकते, साहस नहीं कर सकते हैं, वो कितने भी हों। हम सब देशवासियों को खड़ा होना होगा, हम सबको एक होना होगा, हम सबको उठ करके मुकाबला और संघर्ष करना होगा। अभी भी नहीं किया तो बहुत विलंब हो जाएगा, बहुत विलंब हो जाएगा, क्योंकि जितने भी संसाधन हैं वो आप और हमारे द्वारा ही पैदा किए हुए संसाधन हैं। उन्हीं संसाधनों में वो राज कर रहे हैं, वो मौज उड़ा रहे हैं, वो देश को लूट रहे हैं, फिर भी हम सो रहे हैं, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। इसीलिए महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में है कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युधिष्ठिर ये बताओ, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं, अहन्यानि ह भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम्, शेषाः स्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम्। कि बोले हर रोज लाखों लाखों लोग इस दुनिया को छोड़कर के चले जाते हैं, बाकी जो है, जो दुनिया में है, वो कभी इस चीज को सोचते ही नहीं है। तो बोले ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो कभी कभी हमें आश्चर्य होता है, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारे सामने बहुत तरह की जटिलताएं हैं, परेशानी में हम, बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई बहुत सारे परेशानियों में घुटन में जी रहे हैं। हमें यह तो पता है कि हम घुटन में हैं, हम परेशानी में हैं, हमारे सामने संसाधनों का अभाव है। आपको दूर दूर से आना हो, न तो समय पर ट्रेन मिलती है, न बस मिलती है, कहीं ये त्योहार और पर्वों का देश है, कुंभ जैसे जगह पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ व्यवस्था नहीं है, हमारे दर्जनों बहन मर जाते हैं, उनके प्राण भी चले जाते हैं, कोई जू नहीं रेखता है, एक फॉर्मेलिटी के लिए वो पहुंचते हैं। जो पीड़ा और दर्द आपके मन में होता है, हमारे मन में होता है, उनके मन में वो क्यों होता है? क्योंकि वह हमारी सेवा के लिए शायद वह उपयुक्त नहीं है, पर हम इस बात को कभी समझ
इसीलिए हम उन लोगों को ही सेवा के लिए जिम्मेदारी देते रहे जो तुम्हारी सेवा के लिए जिनके अंदर कोई संवेदना नहीं है, यह बड़ी हमसे भूल होती रही है। इसको हमें समझना होगा। जिस दिन आप इस बात को समझ लोगे तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन की जो बात सद्गुरु जी ने की है, कहता हूं एक दिन में परिवर्तन हो सकती है। व्यवस्था को बदलने के लिए और हम पूरे देश के लोगों से आह्वान करते हैं, जो जहां भी है सरकारी अधिकारी कर्मचारी, जो भी जिस भी विभाग में जितने भी जांच एजेंसियां हैं, सब लोग ये कहते हैं आकर के, बोले गुरु जी हम क्या करें, हमारी मजबूरियां हैं। मैं कहता हूं कि तुम अपनी मजबूरियों का रोना मत रो, एक बार उन मजबूरियों से बाहर निकल जाओ। तुम नौकरी में हो तो तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे को नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। तुम कहीं कुछ करते हो, ज्यादा से ज्यादा नोटिस भेज देंगे, ज्यादा से ज्यादा डंडे बजाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जेल में डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा सूली पे लटका देंगे। भाई सूली पे फांसी पर भी लटका देंगे तो की रक्षा के लिए, देश की व्यवस्था को बदलने के लिए, देश को उन्नतशाली और समृद्धशाली बनाने के लिए यदि फांसी भी पर भी लटकना पड़े तो वह क्षण हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण होगा, हमारे लिए बहुत गर्व करने की बात होगी। क्योंकि कम से कम हमने गद्दारी से को नहीं लूटा, देश को बर्बाद नहीं किया, देश की जनता की गाड़ी कमाई की दलाली नहीं खाई, हमने देश के लिए अपने आप को अपनी जान गंवाई है, हमें गर्व होगा, हमें उस चीज के लिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। तो जागने की जरूरत है। अरे डरे तो वो चोर डरे ना, वो लुटेरे डरे जिन्होंने देश को लूटा है, बर्बाद कर रहे हैं। अरे वो लूट रहे हैं फिर भी मौज कर रहे हैं, तुम बड़ी सादगी से और ईमानदारी से जीते हो फिर भी डर में जीते हो। अरे डरे तो डरने की बारी अब उनकी है, हमारी बारी डरने की पूरी हो चुकी है। हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें विचलित नहीं होना है। थोड़ी सी एक बार अपने अंदर की ताकत को पहचानो, थोड़ी सी अंदर की शक्ति को पहचानो, थोड़ा सा अंतर आत्मा को पहचानो। आत्मानम विद्धि, वेद भगवान यही कहते हैं कि हे मनुष्य तू अपने आप को पहचान ले। हम सियार और गिदड़ नहीं है, हम शेर हैं। सियार और गिदड़ तो वो डरपोक और कायर और वो बदमाश हैं। हमें यह पता होनी चाहिए, अपने अंतर की शक्ति को जगाइए। प्रतिदिन आप योगासन प्राणायाम ध्यान करो, अपने आप को मजबूत करो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, सुबह उठते ही प्रार्थना कर लिया करो, हे प्रभु तू ही हमारे आत्मज्ञान को देने वाला है, आत्मशक्ति को देने वाला है, शारीरिक शक्ति को देने वाला है, मानसिक शक्ति को देने वाला है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करके पूरी ताकत के साथ में सुबह अपने आप को पूरी ऊर्जा से भर करके दिन भर सोचो कि राष्ट्र निर्माण के काम के लिए मुझे पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे आगे बढ़ना है और पूरी दृढ़ता के साथ पूरी ऊर्जा के साथ मुझे काम करना है। इस संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना है और आपको बहुत काम करना है। देश अभी अंगड़ाई ले रहा है, अभी देश खड़ा होना चाहता है, तो देश खड़ा तब होगा हम सबको शक्ति का केंद्र बन करके, ऊर्जा के बिंदु का एक आधार बन करके हम सबको उसको खड़ा करने में हमें मदद करके हमें आगे बढ़ना है। यह इतिहास, यह समय दोबारा बनने वाला नहीं है। इनके पाप के घड़े भर चुके हैं, बहुत घड़े भर चुके हैं। उन पाप के घड़ों को यदि हम नहीं सरका सके, नहीं फोड़ सके, तो वह उन पापियों का दोष नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो हमारा दोष होगा। इसीलिए हम अपने दोष के भागी न बनने के लिए हम उनसे संघर्ष करते हैं। पापी तो पाप करेंगे, अत्याचारी तो अत्याचार करेंगे। कहते हैं, कहावत है ना कि जो पाप करने वाला से बड़ा पापी होता है, जो पाप को सहन करता है, अन्याय को सहन करता है। तो अन्याय बहुत कर लिया, वो न भी बदले पर हम सहन नहीं करेंगे तो एक दिन में वो पापी भाग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम सोते रहे और वो हमें लूटते रहे। श्रद्धेय स्वामी जी ने अब हमें जगा दिया है और अब हमें कोई नहीं लूट सकता। इस संकल्प के साथ आपको यहां से जाना है। हमें सोना नहीं, हमें जागरूक होना है। आप इसकी परवाह मत करिए कि आप कितना काम कर पाएंगे देश के लिए। आपको सिर्फ इतनी ही परवाह करनी है कि जहाँ भी जो भी सामना करना पड़ेगा, हमें गलत कार्य की ओर न तो प्रवृत्त होना है, न गलत लोगों के सामने झुकना है, न ही उनके सामने किसी भी तरह से हमने हथियार डालने हैं। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को 2.5 साल हो गया,
रात दिन एक एक कर करके पूरी षड्यंत्र से उनके पास देखो, सारी शक्तियां और सारी ताकत तो उनके पास है। हमारे पास तो दो ताकतें हैं, पहली ताकत जिसने हमें जीवन दिया है, जिसके ताकत से श्वास चल रहा है, अगले श्वास का भी पता नहीं, नहीं तो जो जीवन दे रहा है उस परम पिता की ताकत, और दूसरी ताकत जो आप सहित संपूर्ण देश के अंदर जो श्रद्धेय स्वामी जी की भावना को समझते हैं, संवेदना को समझते हैं, एक एक शब्द के लिए आप अपने प्राणों को भी देने के लिए उद्यत हैं, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए इतनी आसुरी शक्तियां सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाई, यही कारण है। तो इसलिए जब कुछ नहीं कर पाए तो आप समझ लेना, जब तक हमारे कर्म दिव्य हैं, भगवान हमारा साथ दे रहा है, तब तक ये हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता।